नमस्कार। डियर्स डेली रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टोमेटो सॉस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से घर पर बनाकर तैयार करेंगे। स्वाद में ये बिल्कुल बाज़ार में मिलने वाले टोमेटो सॉस की तरह ही है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पर लगभग आधा किलो टमाटर लिया है। ये टमाटर अच्छी तरह से पके हुए और बिल्कुल लाल होने चाहिए, जिससे आपके सॉस का कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। इसके साथ मैंने यहाँ पर एक छोटा प्याज लिया है। आप चाहें तो आधे प्याज का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। एक इंच टुकड़ा अदरक का ले लिया है और यहाँ पर मैंने 6 कली लहसुन की ले ली है। प्याज लहसुन ऑप्शनल है, अगर आप खाते हो तभी इसका इस्तेमाल करें। इसके बाद हम टमाटर को छोटे टुकड़े में काट लेंगे। इस टमाटर को हमें पहले पका लेना है, इसलिए हम इसके छोटे टुकड़े काट रहे हैं ताकि ये जल्दी पककर तैयार हो जाएं। टमाटर काटने के बाद हम प्याज के भी छोटे टुकड़े काट लेंगे इस तरह से। लहसुन को काटने की ज़रूरत नहीं है, ये कुकर में आसानी से पक जाएगा। और अदरक को हम ग्रेट करके डाल लेंगे ताकि ये भी जल्दी से पक जाए। इसके बाद मैंने यहाँ प्रेशर कुकर ले लिया है। अब हम इसमें कटी हुई सारी सब्जियों को, टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज, इन सभी चीज़ों को कुकर में डाल लेंगे। इसके साथ आधा कप पानी डालेंगे। फिर कुकर के ढक्कन को बंद करके इसे हम 2 सीटी आने तक पका लेंगे। इसके बाद हम प्रेशर पूरी तरह से निकल जाने के बाद कुकर के ढक्कन को खोलेंगे। तो अब आप देख सकती हैं टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है। इन सभी चीज़ों को एक बार चलाकर मिला लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसे छानेंगे। आप देखिए यहाँ लहसुन भी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। तो सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हम इसे किसी बर्तन में छान लेंगे। तो मैंने यहाँ कढ़ाई ली है, जिसमें मुझे आगे सॉस पकाना है, उसी में मैं इसे छान लूँगी। इसे छानने से जो इसमें बीज है या छिलका है वो अलग हो जाएगा और बिल्कुल अच्छा सॉस बनकर तैयार होगा। छन्नी से हम इसे छान लेंगे और इस बचे हुए भाग को हटा देंगे। इसके बाद हम इसे गैस पर पकने के लिए रख देंगे और इसे चलाते हुए ही पकाएंगे। तो अब इसमें उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप चाहें तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर सकती हैं। इसके बाद हम इसमें लगभग 1/4 कप चीनी मिलाएंगे, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 बड़ा चम्मच विनेगर डालेंगे और इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे। चीनी की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार बढ़ा या घटा भी सकती हैं। इसके बाद 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालकर मिला लेंगे। मैंने यहाँ काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, इससे सॉस का कलर बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी देर पकाने के बाद आप देख सकते हैं सॉस अब गाढ़ा होने लगा है। तो इसी तरह से हम इसे और पकाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं सॉस काफी गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी हम गैस बंद नहीं करेंगे। पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। सॉस को चेक करने के लिए हम इस तरह से इसे एक प्लेट पर डालेंगे। तो अभी आप देख सकती हैं कि सॉस नीचे की तरफ बह रहा है, इसका मतलब सॉस अभी अच्छी तरह से या बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। थोड़ी देर के बाद आप देख सकती हैं अब सॉस काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो इसे फिर से हम चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारा सॉस काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और ये आसानी से नीचे की तरफ नहीं बह रहा है, और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो अब हमारा ये सॉस ठंडा हो चुका है
और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकती हैं, है ना, ये बिल्कुल बाजार में मिलने वाले सॉस की तरह। हमने इसमें कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है, फिर भी इसका कलर कितना अच्छा आया है। टोमेटो सॉस बनाने के लिए हमेशा बिल्कुल लाल पके टमाटर का इस्तेमाल करें, तो इससे बिना कलर के ही आपके सॉस का कलर बहुत ही अच्छा बनकर आएगा। इस तैयार टोमेटो सॉस को आप फ्रिज में पूरे महीने के लिए स्टोर करके रख सकती हैं। इसमें विनेगर का इस्तेमाल करने से इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।